हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. इट्स रिंकी शर्मा. और आज मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं प्रोडक्ट्स आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि ये केमिकल फ्री है. और बहुत लोगों के मुझे डीएम आते थे कि हमारे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं अपने बालों में जिससे हमारे हेयर फॉल नहीं हो, बाल डैमेज नहीं हो. और इस रीज़न से मैंने सोचा ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ. तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो आज मुझे ये प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं. आप देख सकते हो, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी. ये अमेज़ॉन से मिलेंगे और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. तो ये सब बताती हूँ मैं आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए हैं. तो मैं एक एक का डिस्क्रिप्शन बताती हूँ. तो फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं. ये है रीठा पाउडर. तो इसके अंदर नो एडेड केमिकल नेचुरल हेयर केयर है. इसको क्या करना है आपको, है ना, सिर्फ थोड़ा सा पाउडर लेना है आपको, पानी में डालना है, मिक्स करना है, पेस्ट बनानी है, बालों में अप्लाई करना है, 30 मिनट्स में हेयर वॉश करने. तो मेरे को ऐसे 5 प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं, जिसमें रीठा है, आंवला है, हिबिस्कस है, ठीक है, फिर मेरे पास भृंगराज है और शिकाकाई है. तो ये सारी ही चीज़ें हम देखते हैं ओवरऑल कि हमें एक ही प्रोडक्ट में मिले, जिसमें हमें मतलब एटलीस्ट हमें ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है. तो आप ये सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हो और फिर एक पेस्ट बना सकते हो और जो आप अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो. और एक बात है, जो ये हिबिस्कस पाउडर है ना, इसको आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो कोकोनट ऑयल के साथ में मिक्स करके. तो ये आपको स्किन भी बहुत अच्छी करेगा. तो इसमें आपके डबल बेनिफिट है. आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हो और आप ये पूरा कॉम्बो भी ले सकते हो. तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दूंगी. अमेज़ॉन पे मिलता है, आप चेक कर सकते हो. तो अब पहले मैं बताती हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं ना जिसमें इन सब में लिखा है नो एडेड केमिकल, आई गेस आपको दिख रहा होगा किसी में भी केमिकल नहीं है. तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. मैं प्रोडक्ट ओपन करती हूँ. अभी तक सील पैक है. मुझे एक्चुअली प्रोडक्ट बहुत दिन से रिसीव हुआ था, बट मुझे टाइम नहीं मिला, इस रीज़न से मैंने ये वीडियो नहीं बनाई. स्मेल वाइज भी काफ़ी अच्छा है, एकदम ऑर्गेनिक स्मेल है. ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत सारी फ्रेगनेंस मिक्स की हुई है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा थोड़ा मैं 1 स्पून जितना पाउडर ले रही हूँ. फर्स्ट मैं ले रही हूँ हिबिस्कस. सेकेंड है ये रीटा. ये आपको हेल्प करता है कि अगर आपके कुछ स्कैल्प में अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया हो गया है, या तो फिर आपका हेयर ड्राई है, फिजी है, तो इसके लिए ये यूज़ होता है. ठीक है, तो ये भी मिक्स करती हूँ मैं. तो ये भी ओपन कर दिया मैंने, अभी ये भी मिक्स कर दिया. पूरे हाथ गंदे हो गए मेरे. ओके, ये है शिकाकाई. इस पे लिखा है कि ये आपका जो हेयर ग्रोथ है उसका उसको बढ़ाता है, पीएच लेवल मेंटेन करता है, तो ये भी अच्छा है. ओवरऑल जो चीज़ें हैं सबकी सब बहुत ही अच्छी है, आपके बालों को बहुत अच्छा रिजल्ट देगी. तो लेट्स ट्राई कि सच में रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है. तो इसीलिए मैं ये पैक बना रही हूँ, लगाऊंगी 30 मिनट्स में वॉश करके, फिर मैं आपसे मिलूंगी. तो ये ओपन कर रही हूँ मैं आंवला. ये हेल्प करता है आपको, आपके जो बाल है उसके वॉल्यूम बढ़ाता है, डैंड्रफ रिमूव करता है, और जिन बच्चों के सिर में जूओ हो जाती है वो ये उसको हेल्प करता है. तो ये मॉम्स आप ये अपने बच्चों के लिए ले सकते हो, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना ऑटोमेटिकली उनके जो लड़कियां रहती हैं उनके बालों में बहुत जल्दी जू होने के चांसेस होते हैं. मुझे नहीं पता आप आपके स्टेट में इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर तो यही बोलते हैं, तो मैंने वही सीखा है, तो मुझे आइडिया नहीं है. तो अब मैं लास्ट ओपन कर रही हूँ भृंगराज. कलर बहुत अलग है, ग्रीन कलर कुछ तो है, शेड दिख रहा है आपको?
गिर गया। ठीक है, इसको भी मिक्स ही कर लेते हैं। इसमें पानी मिक्स करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट को बाल में लगा लेंगे। इसको मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। एकदम मेहंदी जैसा बन गया ये। इसमें थोड़ा और पानी लगेगा क्योंकि ये बहुत ड्राई हो गया है। मेहंदी बनाते हैं हम, उसको मिक्स करते हैं, वैसा ही है। इसकी फ्रेग्रेंस भी मेहंदी जैसी आ रही है। होपफुली प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो मैंने मिक्स कर लिया है। इतना मेक श्योर करना कि कोई लम्प्स नहीं रहे, अच्छे से मिक्स करना। आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हो, मैंने हाथ से मिक्स किया क्योंकि मुझे बालों में ऐसे ही लगाना था बिना ब्रश के, तो आई थॉट कि ठीक है हाथ से मिक्स करके लगाने में कोई इशू नहीं है। तो मैं लगा लेती हूँ बालों में। पूरे रूट से लेके नीचे तक आपको अच्छे तरीके से लगाना है, कोई डैमेज नहीं करेगा आपके बालों को, आपका जो हेयर फॉल है वो सब कम हो जाएगा इससे। तो आप ट्राई करने में क्या जाता है। और मैं वही प्रोडक्ट्स लोगों को सजेस्ट करती हूँ जो मुझे सच में रिजल्ट दिया है, वरना ऐसे नहीं कि हाँ बस प्रोडक्ट मिला रिव्यू कर दिया, नहीं। तो पूरा मेहंदी जैसा है, आप जैसे बालों में मेहंदी लगाते हो ना, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा आपको। एकदम मेहंदी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। तो मैं ये अभी पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। कि हाथ सब बहुत गंदे हो रहे हैं, मेरे को मिरर की बहुत ज़रूरत है, डायरेक्टली ऐसे लग नहीं पा रहा है। तो मैं पूरा लगाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने अभी ये लगा लिया, आप देख सकते हो मेरे हैंड्स कितने गंदे हो चुके हैं। तो वेल, अब मैं इसको 30 मिनट्स रखती हूँ और 30 मिनट्स के बाद में मैं वॉश करने के बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़े घर के काम करने जा रही हूँ। तो मैं जब इसका 30 मिनट्स हो जाएगा वॉश कर लूँगी, उसके बाद में मैं ये वीडियो कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैंने हेयर वॉश कर ली है और मैंने हेयर को ड्राई भी कर लिया है, और मुझे ये प्रोडक्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगा है और इससे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करो, इसकी प्राइस चेक करो और आप देखो कि कितना रीज़नेबल रेट पे ये प्रोडक्ट्स हैं और सब केमिकल फ्री है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सीता टाटा।